नमस्कार, मैं गीतेश्वर शरण वार्षणेय, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट कोड 107 के टॉपिक थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को डिस्कस करूंगा। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा है ये प्रोजेक्टिंग प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टिंग प्लेन है। इस ऑब्जेक्ट की जो कंटूर है या आउटसाइड आउटलाइंस हैं, उन आउटलाइंस से इस प्रोजेक्टिंग प्लेन्स को मिलाने वाली एक लाइन है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टिंग लाइंस या प्रोजेक्टर्स। ये प्रोजेक्टिंग लाइंस या प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्टिंग प्लेन को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, उन सब पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, एक करेक्ट सिक्वेंस में ज्वाइन कर दें, तो प्रोजेक्टिंग प्लेन पर जो हमको फिगर मिलेगा उसको कहेंगे प्रोजेक्शन। और ये है ऑब्जर्वर या स्टेशन पॉइंट। तो ये तो था नोमेनक्लेचर। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, क्या हम मानते हैं कि दो प्रिंसिपल या रेफरेंस प्लेन्स होते हैं। एक का नाम होता है वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वतल या वीपी, और दूसरे का नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल या एचपी। ये वीपी है, ये एचपी है। ये दोनों प्लेन मिलकर के आपस में चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वीपी के सामने एचपी के ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, थर्ड क्वाड्रेंट एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, और फोर्थ क्वाड्रेंट एचपी के नीचे और वीपी के सामने, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ मानकर उसके प्रोजेक्शंस वीपी और एचपी पर बनाएंगे, तो इस प्रकार जो प्रोजेक्शन प्राप्त होंगे उन प्रोजेक्शंस को हम बोलेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में रखकर मानकर बनाएंगे और फिर जो प्रोजेक्शंस मिलेंगे उसको कहेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। हर एक ऑर्थोग्राफिक व्यू जो होगा वो केवल दो डायमेंशंस को शो करेगा, जबकि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जो है तीन डायमेंशन चाहिए होती हैं। इसलिए सिंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू इज नॉट सफिशिएंट फॉर कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एटलीस्ट या मिनिमम जो है दो व्यू जो है वो हमेशा रिक्वायर्ड रहते हैं, दो व्यू हमेशा जो है चाहिए होते हैं। मैक्सिमम जो पॉसिबल हैं वो 6 व्यू होते हैं, ये अपन पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वीपी पर जो प्रोजेक्शन मिलता है उसे हम फ्रंट व्यू या एलिवेशन या सम्मुख दृश्य या उद्विक्षेप कहते हैं। एचपी पर जो प्रोजेक्शन मिलता है उसे हम टॉप व्यू या प्लान या शीर्ष दृश्य या अनुविक्षेप कहते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू होता है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में पोजीशन चेंज हो जाती है, टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू नीचे होता है। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड जो है वो यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि सेकंड एंगल में और फोर्थ एंगल में देयर आर चांसेज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द व्यूज। दो जो व्यू होंगे उनके सुपर इम्पोज या ओवरलैप होने के चांसेज रहेंगे,
क्योंकि ओवरलैपिंग, क्योंकि व्यू को टू डायमेंशनल शीट पर बनाने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि वीपी को फिक्स रखते हुए एचपी को 90 डिग्री पर रोटेट करना, तो ऐसा करने से फर्स्ट एंगल में तो फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आ जाता है, थर्ड एंगल में टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू आ जाता है, लेकिन सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में जो है वो दोनों व्यू जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने की संभावना रहती है, इसलिए सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड काम में नहीं आते। तो अब हम जो है इनके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। इनका सिंबल्स बनाने के लिए, ये जो सिंबल्स हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से रिकमेंडेड हैं। वो सिंबल में क्या एज्यूम करते हैं कि एक फ्रस्टम ऑफ कॉर्न जो है उसका एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल है ऐसे रखा हुआ है, एक शंकु का छिन्नक जिसका अक्ष क्षैतिज है ऐसे रखा हुआ है। तो अगर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको रखा हुआ मानकर इसके व्यू बनाएंगे, दो व्यू बनाएंगे, एक एक तो फ्रंट व्यू और एक लेफ्ट साइड व्यू, तो जो उसके जो प्रोजेक्शन मिलेंगे उसे हम कहेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये शंकु का छिन्नक कीपिंग इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, इसका वीपी पर प्रोजेक्शन ये आया ये, और इसका लेफ्ट साइड व्यू का प्रोजेक्शन जो है वो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन या प्रोफाइल प्लेन पर ये प्राप्त हुआ। तो जब उस दोनों प्लेन्स को, वीपी को और प्रोफाइल प्लेन को ओपन आउट करेंगे तो हमको एक शीट पर जो है इस प्रकार जो है सिंबल प्राप्त होंगे। ये फर्स्ट एंगल का सिंबल हम यूज करेंगे, यानी फर्स्ट एंगल की अगर हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कोई ड्राइंग बनाई है तो वहाँ पर ये सिंबल भी बना देंगे। और थर्ड एंगल में सेम जो फ्रस्टम ऑफ कॉर्न है इसको थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ मान करके फिर इसके व्यू बनाएंगे, तो इसका ये तो फ्रंट व्यू बन जाएगा और ये लेफ्ट साइड व्यू बन जाएगा, पोजीशन बदल जाएगी। और लेफ्ट साइड व्यू ही हमने जो है सेलेक्ट किया है क्योंकि लेफ्ट साइड व्यू से इस पोजीशन में अगर ये रखा है, फ्रंट व्यू ऐसे है, पोजीशन इस तरह से है, तो लेफ्ट साइड व्यू से इसके दोनों सर्किल जो है वो विजिबल रहेंगे, इसलिए लेफ्ट साइड व्यू को ही हमने रखा है। तो इस प्रकार जो सिंबल्स मिलेंगे हमको वो हम जो है यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग ड्राइंग। अब दोनों मेथड का थोड़ा कंपेरिजन करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सिंबल्स तो हमने डिस्कस अभी किए ही हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ मानकर बनाते हैं, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ मानकर बनाते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्रोजेक्शन प्लेन, व्हाइल इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड प्रोजेक्शन प्लेन इज इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। इसको हम देखते हैं यहाँ से। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये प्रोजेक्टिंग प्लेन है और ऑब्जर्वर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो ऑब्जर्वर और प्रोजेक्टिंग प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द प्रोजेक्टिंग प्लेन एंड ऑब्जर्वर। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है यानी यहाँ पर है, लेकिन ऑब्जर्वर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ जो है माना जाता है, ऑब्जर्वर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माना जाता है, तो उस केस में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में है प्लेन, प्लेन इज इन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम प्रोजेक्शन प्लेन को ओपेक मानते हैं, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम प्रोजेक्शन प्लेन को ट्रांसपेरेंट मानते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है तो उसके प्रोजेक्शंस अगर हमको वीपी पर लेने हैं तो वीपी जो है वो ओपेक होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए,
और यदि हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में अगर ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट तभी दिख सकता है जब ये प्लेन्स जो हैं ये ट्रांसपेरेंट होंगे। तो प्लेन्स ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू या प्लान जो है एक्स वाई लाइन के नीचे आता है और फ्रंट व्यू या एलिवेशन जो है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर आता है, और राइट साइड व्यू जो है फ्रंट व्यू की लेफ्ट साइड में बनाया जाता है और लेफ्ट साइड व्यू जो है फ्रंट व्यू की राइट साइड में बनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो नोट है ये आपको नोट करना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू या प्लान एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है, फ्रंट व्यू या एलिवेशन एक्स वाई लाइन के नीचे होता है, राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनाया जाता है, लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनाया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में अपोजिट साइड्स में व्यू बनते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सेम साइड में व्यू बनते हैं। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो दिया हुआ है और इसमें आपको जो है देखें ध्यान से, ये लिखा है V, ये लिखा है H, ये V1, ये H1 और ये लिखा है F, यानी फ्रंट व्यू ये है। फ्रंट व्यू ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी साइड्स जो हैं अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाती हैं। तो ये फ्रंट व्यू है तो ये टॉप व्यू और ये लेफ्ट साइड व्यू हो जाएगा और इधर से देखेंगे तो राइट साइड व्यू हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू में जब देखेंगे तो क्या दिखेगा, यानी कि वीपी पर इसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा। वीपी पर जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम कहते हैं फ्रंट व्यू या एलिवेशन। तो वर्टिकल प्लेन में इसके जो प्रोजेक्शन आएंगे, जो प्लेन्स इन्होंने ब्लू कलर से शो किए हैं जिन पर वी और वी वन लिखा है, वो केवल वही प्रोजेक्शन हमको वर्टिकल प्लेन में मिलेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन किस प्रकार का होगा। फिर हम जो है टॉप व्यू को कंसीडर करें, टॉप व्यू को जो है ऊपर से देखें इसको ऑब्जेक्ट को, तो कैसा दिखेगा। इसमें जो है रेड कलर का जो प्लेन्स हैं H और H1 केवल यही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। यानी वो बोलते हैं इसका HP पर जो प्रोजेक्शन है उसमें केवल H का और H1 का ही प्रोजेक्शन आ पाएगा। तो ये जो है वो आपका टॉप व्यू इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब ये फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनाया है, इसका मतलब ये हमने जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को मानकर चले हैं। इसका मतलब ये जो हमको लेफ्ट साइड व्यू बनाना है, हमको येलो प्लेन वाला जो प्रोजेक्शन है वो दिखाना है, तो वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट एंगल में हम बना रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं इसलिए लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू या एलिवेशन के राइट साइड में ही बनेगा। तो इस प्रकार हमने जो है एक सिंपल ऑब्जेक्ट के तीन व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में कैसे बन सकते हैं ये देखें। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको भी फर्स्ट एंगल में ही हम बनाएंगे। ये F लिखा है, यहाँ से शुरू करेंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो कैसा होगा, वर्टिकल प्लेन में जो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो वी ब्लू कलर से जो है वो आएगा, और टॉप व्यू में इसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा, ठीक ऊपर से यदि इसे देखा जाएगा तो केवल ग्रीन कलर का पोर्शन और एच रेड कलर का जो पोर्शन है आई और एच ये जो है दिखेंगे टॉप व्यू से, टॉप से। तो ये जो है हमारा टॉप व्यू इस प्रकार प्राप्त होगा। और लेफ्ट साइड व्यू अगेन फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनाया है इसलिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, इसलिए इसके फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट साइड व्यू बनेगा। तो लेफ्ट साइड व्यू जो है वो
इस तरह से बनेगा। इसमें लेफ्ट से देखेंगे तो हमको केवल एक येलो कलर का जो सरफेस है और एक इंक्लाइंड सरफेस जो ग्रीन कलर की है वो दिखेगी। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि किस प्रकार सिंपल ऑब्जेक्ट्स के ऑर्थोग्राफिक व्यूज जो है बनाए जाते हैं। ये कलर केवल आपके समझने के लिए हैं, ड्राइंग में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। ड्राइंग में केवल हमको आउटलाइन बनानी है। ओके, थैंक यू।